अस्सलाम वालेकुम, क्या आप प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस यानी पीएमएस ऑफिसर बन सकते हैं? अगर मेरा ये सवाल सुनकर आप एक्साइटेड हुए हैं तो मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि आप पीएमएस ऑफिसर बन सकते हैं। ताहम पीएमएस ऑफिसर बनने के लिए आपको एक कम्पिटिटिव प्रोसेस में से गुजरना होता है। तो हमारी आज की वीडियो पीएमएस के लिए कम्पिटिटिव प्रोसेस के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव द बेसिक क्वालिफिकेशन टू अपीयर इन पीएमएस कम्पिटिटिव प्रोसेस। आपकी एज 21 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। ताहम अगर आप जोन 1 या खैबर पख्तूनख्वा के किसी बैकवर्ड इलाके के कैंडिडेट हैं या आपने किसी सरकारी इदारे में मिनिमम 2 ईयर सर्व किया है तो फिर आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है अप टू 2 ईयर। इसके अलावा अगर आप पर्सन में डिसेबिलिटी है और आपने खैबर पख्तूनख्वा के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल किया है तो फिर आपको अपर एज लिमिट में 10 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाती है। इसके अलावा यू मस्ट हैव द एटलीस्ट 14 ईयर क्वालिफिकेशन यानी बीए बट इन द सेकंड डिवीजन, बिकॉज थर्ड डिविजनर्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन पीएमएस कम्पिटिटिव प्रोसेस। इसके अलावा जिन जोन के अगेंस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ने पोस्ट एडवर्टाइज किए तो आपको उन जोन के का डोमिसाइल होल्डर भी होना चाहिए। जब आप क्वालिफाइड और पब्लिक सर्विस कमीशन पोस्ट एडवर्टाइज करती है थ्रू प्रिंट मीडिया तो फिर अगले मरहले में आपने फॉर्म फिल इन करके सबमिट करना होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपने कुल 1200 मार्क्स के पेपर या सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। इसमें 600 मार्क्स के पेपर यानी सब्जेक्ट कंपलसरी है जबकि 600 मार्क्स के पेपर जो है वो आपने ऑप्शनल चूज करने होते हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश ऐसे है यानी इंग्लिश ऐसे का एक पेपर होता है 100 मार्क्स का और 3 घंटे में आपने सिर्फ एक ऐसे लिखनी होती है अप टू 5000 वर्ड्स। और इसके लिए आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स दिए जाते हैं, आमतौर पर 8 to 10। तो जो टॉपिक जिस टॉपिक पर आप वेल वर्स्ड हो तो आप वो टॉपिक चूज करें और उस पर ऐसे लिख ले। जबकि इसका जो दूसरा पेपर है वो इंग्लिश प्रेसे और कंपोजिशन की है और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के मुतलिक वो तमाम कंटेंट शामिल होते हैं इस पेपर में जो हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं यानी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन पेयर ऑफ वर्ड्स इडियम्स प्रोवर्ब्स प्रेसे राइटिंग कंप्रीहेंशन और इसके अलावा आपने इसमें एक ऐसे भी लिखनी होती है। जबकि जो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है ये 3 पेपर्स पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान पेयर 100 मार्क्स का, करंट अफेयर 100 मार्क्स का और एवरीडे साइंस 100 मार्क्स का। इसके अलावा जो 6th पेपर है वो है इस्लामिक स्टडीज का और ये भी 100 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है इसमें से आपने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट चूज करने होते हैं और ये सब्जेक्ट आपने चूज करने होते हैं फ्रॉम 8 ग्रुप्स और इन 8 ग्रुप्स के बारे में जो डिटेल्स दी गई है वो पीएमएस रूल 2007 के शेड्यूल 2 में दी गई है। ग्रुप 1 रिलेट्स टू द अकाउंटिंग एंड बिजनेस सब्जेक्ट्स, इसमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स के 200 मार्क्स है जबकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 100 मार्क्स है। जबकि ग्रुप 2 जो है इट रिलेट्स टू द सोशल साइंसेस सब्जेक्ट, इसमें पॉलिटिकल साइंस के 200 मार्क्स है जबकि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म के 100 मार्क्स है। वेयर इज ग्रुप 3 रिलेट्स टू द मैथमेटिकल सब्जेक्ट, इसमें प्योर मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के 200 मार्क्स है जबकि कंप्यूटर साइंस और स्टेटिस्टिक्स के 100 मार्क्स है। वेयर इज ग्रुप 4 रिलेट्स टू द साइंस सब्जेक्ट, इसमें फिजिक्स जियोलॉजी जियोग्राफी केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी के 200 मार्क्स है। वेयर इज ग्रुप 5 रिलेट्स टू द हिस्ट्री सब्जेक्ट, इसमें इस्लामिक हिस्ट्री इंडो पाक हिस्ट्री ब्रिटिश हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री के 200 मार्क है जबकि यूएसए हिस्ट्री के 100 मार्क्स है। वेयर इज ग्रुप 6 रिलेट्स टू द लॉ सब्जेक्ट, लॉ के 200 मार्क्स है जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मर्केंटाइल लॉ मुस्लिम लाइन जुरिसप्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस के 100 मार्क्स है। वेयर इज ग्रुप 7 रिलेट टू द साइकोलॉजी एंड फिलोसफी और दोनों सब्जेक्ट के यानी साइकोलॉजी और फिलोसफी के 200 मार्क्स है। एंड ग्रुप 8 रिलेट्स टू द लिटरेचर सब्जेक्ट और इसमें इंग्लिश लिटरेचर पर्शियन लिटरेचर अरेबिक लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर के 200 मार्क्स है जबकि पश्तो लिटरेचर के 100 मार्क्स है।
ये बात याद रखें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने 600 मार्क्स के पेपर या सब्जेक्ट को चूज करना होता है, और ये आप इन 8 ग्रुप में से चूज करेंगे, ताम आप किसी भी ग्रुप में से 200 से ज्यादा मार्क चूज नहीं कर सकते। यानी आपने कम से कम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होते हैं फ्रॉम एटलीस्ट 3 ग्रुप्स। अच्छा, फिर इसके पासिंग मार्क्स को अगर हम देते तो जो कंपल्सरी पेपर है उसमें आपने 40% मार्क्स लेने होते हैं, जबकि जो ऑप्शनल पेपर है इसमें आपने मिनिमम 33% पासिंग मार्क्स लेने होते हैं, जबकि एज एन एग्रीगेट आपने 600 मार्क्स लेने होते हैं आउट ऑफ 1200। यानी आपने एग्रीगेट में कम से कम 50% मार्क्स लेने होंगे तब आप का ये कंसिडर होगा कि आपने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया है। रिटन टेस्ट के बाद फिर आपका वाइवा वोचे होता है जो 300 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है, और इसमें आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होती है, और इसकी भी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो है 40%, यानी 120 मार्क्स आपने लेने होते हैं। जो पेपर जिस सब्जेक्ट में होता है आपने उसी जो सब्जेक्ट जिस लैंग्वेज में होता है आपने उसी लैंग्वेज में उसको अटेम्प्ट करना होता है एक्सेप्ट इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन को आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जबकि जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि वो इस्लामिक स्टडीज के पेपर को स्किप करें। ताम इन सच सर्कमस्टेंसेस फिर उसके लिए पाकिस्तान अफेयर का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का कंसिडर किया जाता है और उसी की बेस पर उसकी मार्किंग होती है। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पीएमएस के पोस्ट में से 5% कोटा रिजर्व है फॉर माइनॉरिटी, 10% फॉर वमेन एंड 2% फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अलावा पीएमएस की जितनी भी पोस्ट है इसकी जोनल एलोकेशन की जाती है, और इसके लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा को 5 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1 एक्स फाटा और एक्स एफआर पर मुश्तमिल है। एक्स फाटा जो है इसको हम कहते हैं न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट, और जो एफआर है उसको हम कहते हैं न्यूली मर्ज सब डिवीजन, जबकि जोन 2 में फिर पेशावर डिवीजन और मर्दान डिवीजन के अजला शामिल है, यानी पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, लेकिन सवाबी में फिर गदून को इससे एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि गदून एक बैकवर्ड इलाका है, जबकि जोन 3 में फिर मलकंड डिवीजन के अजला शामिल है, यानी मलकंड, दीर लोअर, दीर अपर, स्वात, चतराल अपर एंड चतराल लोअर, वियर इज जोन 4 में फिर कोहाट और डेरा इस्माइल खान डिवीजन के अजला शामिल है, यानी कोहाट, करक, हंगू, बन्नू डीआई खान एंड लकी मरवत, जबकि जोन 5 में फिर बहुत ज्यादा अजला शामिल है, यानी बटाग्राम, कोहिस्तान लोअर, कोहिस्तान अपर, कोलाय प्लस, कोहिस्तान तुरगर, शांगला, बुनेर, टांग, हरिपुर, मानसेरा और गदून, क्योंकि गदून को जोन 2 में से फिर जोन 2 में से एक्सक्लूड किया गया था। अब जो पूरा पीएमएस की जितनी भी पोस्ट है इनकी 30 वैकेंसीज का एक ब्लॉक बनाया जाता है, तो इसमें से जो 6 पोस्ट है वो मेरिट के लिए असाइन होते हैं, 4 जो पोस्ट है वो जोन 1 के लिए, 6 पोस्ट जोन 2 के लिए, और 4 पोस्ट जो है वो जोन 3 के लिए, और जोन 4 और 5 के लिए 3 वैकेंसीज शामिल होती है इसमें। तो उम्मीद है आप पीएमएस के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है कंपिटेटिव प्रोसेस के लिए वो आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।